हफ्ते जियो फोन लॉन्च हुआ, तमाम फीचर सामने आए, महज 1500 रुपए में कितना कुछ ऑफर हुआ, और वो 1500 रुपए भी केवल सिक्योरिटी मनी है। वॉइस कॉल हमेशा के लिए मुफ्त, सिर्फ 153 रुपए में अनलिमिटेड डेटा। फोन टीवी से भी जुड़ जाता है, यानी फोन का कंटेंट टीवी पर देखो, और इतनी चीजें मिल रही हैं कि नोटबंदी के बाद लोगों का एक बार फिर कतार में लगना तय है। लेकिन नहीं हो सकती हैं कुछ जरूरी सुविधाएं, इस फोन में कुछ कमियां होने की खबर भी सामने आ रही है। इंडिया टुडे टेक टीम के मुताबिक ये फोन डबल सिम नहीं होगा, सिर्फ जियो चलेगा इस फोन में। इसके अलावा एक और खबर जनता को परेशान कर सकती है, इस बात की पूरी आशंका है कि इस फोन में भारतीय जनता के दो सबसे प्रिय ऐप नहीं चलेंगे। जी हाँ, ऐसी खबरें हैं कि WhatsApp और Facebook इस फोन में नहीं चलेगा। यही नहीं, बहुत से मशहूर और जरूरी Android ऐप भी इसमें नहीं चल पाएंगे। जियो फोन जियो नेटवर्क पर लॉक रहेगा, इसमें सिर्फ जियो के प्लान ही चलेंगे। पहले खबरें ये थी कि ये एक डुअल सिम फोन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ना तो इसमें दो सिम लगेंगे और ना ही आप किसी और नेटवर्क का सिम इसमें चला पाएंगे। हालांकि जियो फोन को लेकर बहुत क्रेज है, लेकिन अगर इसमें व्हाट्सएप नहीं चला तो लोगों का इससे मोह भंग हो सकता है। आज गांव-गांव में व्हाट्सएप एक बेहद पॉपुलर कम्युनिकेशन टूल है, इसने SMS को कब का मार्केट से बाहर कर दिया है। ऐसे में अगर ये जियो फोन से नदारद पाया गया तो जियो का ग्राहकों में बहुत कमी आ सकती है। जियो चैट को पॉपुलर कराने का नुस्खा तो नहीं है। गैजेट 360 की रिपोर्ट कहती है कि शुरुआती दौर में व्हाट्सएप नहीं होगा जियो फोन में, लेकिन बाद में इसे ऐड किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जियो फोन में व्हाट्सएप न रखना जियो की सोची समझी रणनीति है। जियो की अपनी मैसेजिंग सर्विस है जियो चैट के नाम से, कंपनी व्हाट्सएप को फोन से गायब करके उसे पॉपुलर करवाना चाहती है। अगर ऐसा है तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि पब्लिक कंपनी के इस जाल में फंसती है या व्हाट्सएप को तरजीह देती है।